Assalamu alaikum, computer students. I'm your computer teacher, Alisha Tanvi. Hope you all are fine and doing good. Today we will learn about the input and output handling. We have learned about C in and C out statements. You know it very well. C in is the input statement and C out is the output statement. It is used to print. C out is used to print the output on the screen, and C in is used to take any input from the input device, that is from keyboard. And it must save some values in the variable. And iostream.h header file is used for C in and C out. Today we will learn about getch, getche. These two functions, gets and puts function, are string related function, and we will learn them in chapter 5. Hope so. We will be learning about the strings. Okay. So today we will learn about getch function. It reads single character as it is typed without need of enter key. First of all, you have to know कि ये जो है C in है, getch, getche, ये सारे जो हैं input function हैं, जो इनपुट लेने के लिए यूज होते हैं. ठीक है, अब सी इन में और गेट सी एच या गेट सी एच ई में, इनमें क्या डिफरेंस है? सी इन में जब भी आपने कोई सी इन भी आपके आउटपुट स्क्रीन को स्टॉप कर देता है, प्रोग्राम को स्टॉप कर देता है और आपकी इनपुट का वेट करता है. गेट सी एच भी यही काम करता है कि आपका जो प्रोग्राम रन हो रहा होता है वो स्टॉप हो जाता है और आपके इनपुट का वेट करता है. ठीक है, यहाँ तक तो ये दोनों हो गए सेम. अब डिफरेंस कहाँ पे आता है? सी इन में आप कोई भी नंबर ऑफ कैरेक्टर्स, मीन्स कोई भी वैल्यू आप एंटर कर सकते हो, लिख सकते हो. लिखने के बाद जब तक आप एंटर की प्रेस नहीं करोगे, प्रोग्राम आगे एग्जीक्यूट नहीं होगा. ठीक है, लेकिन गेट सी एच क्या करता है? गेट सी एच में आप जैसे ही कोई कैरेक्टर एंटर करते हो, आपको एंटर की प्रेस करने की जरूरत नहीं पड़ती और एक कैरेक्टर से ज्यादा आप एंटर भी नहीं कर सकते हो. ठीक है, जैसे ही आप एंटर की कोई भी एक की प्रेस कर देते हो अपने कीबोर्ड से, तो वो नेक्स्ट मूव कर जाता है. ठीक है, तो देयर इज अ फर्स्ट डिफरेंस कि सी इन में आपने अगर कोई भी चीज लिख रहे हो, लिखने के बाद आपको एंटर प्रेस करना पड़ेगा कीबोर्ड से, लेकिन गेट सी एच में आपको एंटर की प्रेस नहीं करनी. इसमें आप जैसे ही कोई एक कैरेक्टर प्रेस लिखोगे, कोई भी कैरेक्टर अपने कीबोर्ड से, कोई भी की प्रेस कर देते हो, तो आपका प्रोग्राम जो है वो नेक्स्ट मूव कर जाएगा. ठीक है, गेट मीन्स टू गेट समथिंग फ्रॉम द इनपुट डिवाइस. ठीक है, गेट और सी एच दो ये आप कह सकते हो कि इनमें वर्ड्स हैं. गेट का मीन है कि कोई भी चीज इनपुट डिवाइस से गेट करना, लेना, इनपुट लेना. ठीक है, एंड सी एच मीन इट गेट्स अ कैरेक्टर, ये कोई भी एक कैरेक्टर लेगा. वो कैरेक्टर कोई अल्फाबेट्स हो सकते हैं, कोई नंबर्स हो सकते हैं, कोई फंक्शन की हो सकती है, कोई स्पेस हो सकती है, कोई भी की आप प्रेस कर सकते हो अपने कीबोर्ड से, लेकिन कोई एक की. ठीक है, कोई भी एक की जो है वो एक कैरेक्टर को वो इनपुट ले सकता है. ठीक है, Conio.h header file is used with if you are using C in or C out, you will use iostream.h. But for getch and getche, you will have to use Conio.h header file. ठीक है, header file हम लोगों ने पढ़ी थी, हमने उस दिन भी getch को use भी किया था और हमने दो header files भी लिखी थी, iostream.h and Conio.h. ठीक है, तो Conio.h हम लोग इसलिए use करते हैं जब हम अपने program में getch या getche का function use कर रहे होते हैं. अगेन इसके एग्जाम्पल प्रोग्राम देख लेते हैं. इसको हम पार्ट वन में मैं आपको ये सारा एक्सप्लेन कर रही हूँ, पार्ट टू में हम इन प्रोग्राम्स को रन करके इनकी आउटपुट भी विजुलाइज करेंगे. ठीक है, तो हैश इंक्लूड iostream.h, हैश इंक्लूड conio.h, एज इट इज आपने लिखना है, क्योंकि हम सी इन की स्टेटमेंट सी इन सी आउट भी यूज कर रहे होंगे और हम conio.h क्यों यूज कर रहे हैं, क्योंकि हम getch का फंक्शन हमने यूज करना है. ठीक है, वर्ड मेन, मेन हर एक प्रोग्राम में आएगा. ब्रेकेट स्टार्ट कैरेक्टर सी एच, अब क्योंकि हम लोगों ने कैरेक्टर इनपुट लेनी है, हम गेट सी एच का फंक्शन चेक कर रहे हैं, तो इस चीज के लिए हम लोगों ने डेटा टाइप ले ली है कैरेक्टर. अब यहाँ पे देख सकते हो, दिस इज कैरेक्टर, दिस इज योर डेटा टाइप एंड सी एच इज योर वेरिएबल नेम. ठीक है, सी आउट एंटर एंड इंटीजर. अब सी आउट से क्या होता है, सी आउट में डबल इंसर्शन ऑपरेटर के बाद डबल कोट्स में जो चीज आपने लिखी है ये एज इट इज आउटपुट स्क्रीन पे आ जाएगी, मीन्स एंटर एंड इंटीजर as it is लिखा हुआ आ जाएगा. ठीक है, नेक्स्ट लाइन पे है सी एच इज इक्वल टू गेट सी एच. अब गेट सी एच जैसे ही आया, तो इसका मतलब है कि आपका प्रोग्राम जो है, जो आउटपुट स्क्रीन आपकी एक ब्लैक स्क्रीन आउटपुट पे आती है,
वो स्टॉप हो जाएगा, ठीक है। और वो कब तक स्टॉप रहेगा, जब तक आप अपने कीबोर्ड से कोई भी की प्रेस नहीं कर देते हो, ठीक है। अब कि यहाँ पे आप देखो कि आपने लेट्स सपोज अपने कीबोर्ड से ए प्रेस कर दिया, ठीक है, तो वो ए कहाँ पे आया, इस गेट सी एच ने इनपुट लिया, तो इक्वल टू की साइन का मतलब है कि वो ए कहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, सी एच में शिफ्ट हो जाएगा। तो सी एच में क्या सेव हो जाएगा, जो आपने की प्रेस की होगी दैट इज ए, तो वो कहाँ पे सेव हो गया, सी एच में सेव हो गया। अब नेक्स्ट प्रोग्राम चलना स्टार्ट हो जाएगा, नेक्स्ट है सी आउट की स्टेटमेंट है। अब डबल कोट्स में जो लिखा है वो एज इट इज आना है, द कैरेक्टर यू टाइप्ड इज, ये यहाँ तक ऐसे ही लिखा हुआ आ जाएगा आपकी स्क्रीन पे। और फिर इंसर्शन के बाद हम लोगों ने सी एच बगैर डबल कोट्स के लिखा है, बगैर डबल कोट्स के मैंने आपको उस दिन भी बताया था कि जो चीज डबल कोट्स के अंदर आप लिख रहे हो वो एज इट इज स्क्रीन पे आपको नजर आएगी आउटपुट पे, और जो डबल कोट्स के बगैर आप चीज लिख रहे हो उसके अंदर जो वैल्यू सेव होगी वो आपको स्क्रीन पर डिस्प्ले होगी, ठीक है। तो सी एच में अब ये वाली जो लाइन हमने जब रन की थी तो सी एच में सेव हुआ था ए, तो यहाँ पे अब ए जो है वो इसकी जगह सी एच की जगह प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद ही गेट सी एच, लास्ट में हम गेट सी एच क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि अगर हम ये लास्ट वाला गेट सी एच नहीं लिखेंगे तो हमें आउटपुट जो है वो नजर भी नहीं आएगी, एकदम से एक ब्लैक स्क्रीन सामने आके गायब हो जाएगी, ठीक है। तो क्योंकि हम लोगों ने पूरी आउटपुट एक दफा देखनी है तो इसके लिए हम लोग हर प्रोग्राम के लास्ट में एक गेट सी एच की कमांड लास्ट में लिखते हैं, ताकि हम लोग जब प्रोग्राम रन करें तो जब तक हम कोई की प्रेस ना करें वो आउटपुट स्क्रीन गायब ना हो, ताकि हम तसल्ली से अपनी आउटपुट जो है वो एटलीस्ट देख सकें कि हमारा प्रोग्राम जो है वो ठीक एग्जीक्यूट भी हुआ है या नहीं, ठीक हमें रिजल्ट दे रहा है या नहीं दे रहा, ठीक है। तो हर प्रोग्राम के एंड में हम गेट सी एच का फंक्शन मस्ट यूज करेंगे, सिर्फ इसी वजह से कि हमने प्रोग्राम को स्टॉप करना होगा, रोकना होगा थोड़ी देर के लिए, आउटपुट स्क्रीन को स्टिल करना होगा ताकि हम उसे देख सकें आउटपुट को, ठीक है। तो ये लास्ट हमारा यहाँ पे प्रोग्राम एंड हो जाता है। नेक्स्ट हम गेट सी एच ई पे आ जाते हैं। अगेन गेट सी एच और गेट सी एच ई दोनों सेम है, गेट सी एच ने भी एक ही कैरेक्टर गेट करना है, गेट सी एच ई ने भी एक ही कैरेक्टर गेट करना है। अब सिंपल एक डिफरेंस है, और वो क्या डिफरेंस है, ये ई का डिफरेंस है दोनों में, एक गेट सी एच है और एक गेट सी एच ई है। ई मीन्स ईगो, मीन्स डिस्प्ले करना, मीन्स इसका क्या मतलब है कि गेट सी एच जब आप यूज करते हो तो आप कीबोर्ड से कोई भी की जो भी प्रेस कर रहे हो वो आपको नजर नहीं आती कि आपने क्या प्रेस किया है, जब तक आप उसे डिस्प्ले नहीं करवाते हो, सी आउट की स्टेटमेंट में जब तक आप उसे नहीं लिखोगे आपको नजर नहीं आएगा, ठीक है। गेट सी एच ई का क्या मतलब है कि जैसे ही आप कोई की प्रेस करोगे वो आपको आउटपुट स्क्रीन पे नजर भी आएगा कि आपने कौन सी की प्रेस की है। अगर आप ए प्रेस करोगे तो आउटपुट स्क्रीन पे ए लिखा हुआ आ जाएगा, अगर आप कोई नंबर प्रेस करते हो तो वो नंबर लिखा हुआ आ जाएगा, ठीक है। तो जो भी की आप प्रेस करोगे वो आपको आउटपुट स्क्रीन पे नजर आएगी गेट सी एच ई के केस में, और गेट सी एच के केस में वो आपको नजर नहीं आएगी, ठीक है। अब अगेन हमारे पास प्रोग्राम सेम वही है, सिर्फ माइनर सा डिफरेंस है, यहाँ पे हमने डिफरेंस कर दिया है। तो अब इस केस में क्या होगा कि जो आप एंटर यहाँ पे ए लिखोगे, ए लिखा आपने, ए सी एच में सेव हो गया, वो ए पहले आपको डिस्प्ले भी हो जाएगा कि आपने क्या लिखा था, ठीक है। ये एक माइनर सा इनमें डिफरेंस है गेट सी एच और गेट सी एच ई में। नेक्स्ट हम आ जाते हैं एस्केप सीक्वेंस। एस्केप सीक्वेंस आर स्पेशल कैरेक्टर्स यूज्ड टू कंट्रोल द आउटपुट ऑन द स्क्रीन। स्क्रीन पे आउटपुट को कंट्रोल करने के लिए हम कुछ स्पेशल कैरेक्टर्स यूज करते हैं, उनको हम एस्केप सीक्वेंस कहते हैं। एस्केप सीक्वेंस बिगिंस विद द बैक स्लैश फॉलोड बाय अ कोड कैरेक्टर। पहले बैक स्लैश आती है एस्केप सीक्वेंस, जब भी आप लिखोगे पहले बैक स्लैश और उसके बाद कोई ना कोई कैरेक्टर आएगा, ठीक है। और इनको हम एस्केप सीक्वेंस क्यों कहते हैं, क्योंकि ये बैक स्लैश जो है, बैक स्लैश की वजह से जो उसके बाद कैरेक्टर लिखा हुआ होता है वो प्रिंट नहीं होता, नॉर्मल प्रिंटिंग से वो हट जाता है। नॉर्मली हम सी आउट में जो भी चीज लिखते हैं, जो भी कैरेक्टर लिखते हैं वो प्रिंट हो जाता है, ठीक है। लेकिन बैक स्लैश के बाद अगर कोई कैरेक्टर लिखा होगा तो उसका कोई ना कोई पर्पज होगा, वो एस्केप सीक्वेंस बन जाता है, वो सिंपल कैरेक्टर नहीं रहता, इसलिए हम उसे एस्केप सीक्वेंस बोलते हैं। अब एग्जांपल क्या है कि अगर अच्छा यूज इन सी आउट स्टेटमेंट, ये हमेशा आप सी आउट की स्टेटमेंट में यूज करोगे, इसके अलावा आप इसे कहीं यूज नहीं करोगे। डबल कोट्स में सी आउट की स्टेटमेंट में जो चीज हम डबल कोट्स में जब लिखते हैं वहां पे हम एस्केप सीक्वेंस यूज कर सकते हैं, इसके अलावा कहीं पे एस्केप सीक्वेंस यूज नहीं होता।
एग्जाम्पल देख लें इसकी, बैक स्लैश ए अगर आप अपने प्रोग्राम में लिखते हो, सी आउट स्टेटमेंट में कहीं पे भी यूज करते हो, इट विल प्रोड्यूस अ बीप साउंड. एक साउंड सीपीयू से आती है बीप की, वो साउंड प्रोड्यूस करने के लिए हम बैक स्लैश ए लिखते हैं. बैक स्लैश बी लिखने से क्या होगा, मूव कर्सर बैकवर्ड वन पोजिशन. आपका जो कर्सर है, मीन्स जो आउटपुट स्क्रीन आपको शो हो रही होगी, जो कर्सर जो आपका ब्लिंक कर रहा होता है, वो वन स्टेप पीछे की तरफ चला जाएगा. बैक स्लैश एन यूज होता है नेक्स्ट लाइन पे जाने के लिए, नेक्स्ट लाइन पे मूव करने के लिए. मीन्स जो आउटपुट आपकी एक ही लाइन पे आ रही है, अगर उसको आप चाहते हो कि ब्रेक हो जाए, अलग अलग लाइन पे आपको नजर आए, तो उसके लिए आप क्या यूज करोगे, बैक स्लैश एन यूज करोगे. नेक्स्ट है बैक स्लैश आर, मूव कर्सर टू द बिगनिंग ऑफ द करंट लाइन. जिस लाइन पे प्रिंटिंग हो रही है उसी लाइन के स्टार्ट पे जाना है अगर आपने, तो बैक स्लैश आर यूज करोगे. बैक स्लैश टी नेक्स्ट हॉरिजॉन्टल टैब, मीन्स टैब होता है ऑलमोस्ट 6 to 7 का गैप होता है, स्पेसेस होती हैं, ठीक है. तो आप बैक स्लैश टी अगर लिखोगे कहीं पे, तो वहां पे क्या होगा कि थोड़ी ज्यादा स्पेस जो है आ जाएगी. सिंपल एक अगर आप स्पेस प्रेस करते हो तो सिंगल स्पेस आती है, बैक स्लैश टी से क्या होगा 6 to 7 स्पेसेस एक ही टाइम पे प्रिंट हो जाएंगे. बैक स्लैश के बाद अगर दोबारा से आप बैक स्लैश लिखते हो, तो एक बैक स्लैश जो है आपको आउटपुट स्क्रीन पे नजर आएगा. बैक स्लैश के बाद सिंगल कोट्स लिखोगे, तो इट विल प्रोड्यूस सिंगल कोट. मीन्स अगर आपने सिंगल कोट आउटपुट पे लिखना है कहीं पे, कोटेशंस यूज करनी है, तो वहां पे आप बैक स्लैश के बाद सिंगल कोट या बैक स्लैश के बाद डबल कोट यूज कर सकते हो, ठीक है. तो वो एज इट इज प्रिंट हो जाएंगे. एक बैक स्लैश के बाद क्वेश्चन मार्क भी होता है कि अगर आपने अपनी आउटपुट पे कहीं पे क्वेश्चन मार्क लिखना है, तो क्वेश्चन मार्क एज इट इज प्रिंट नहीं होगा, उसके लिए आपको बैक स्लैश के बाद क्वेश्चन मार्क लिखना पड़ेगा, ठीक है. ये कुछ एग्जाम्पल थी एस्केप सीक्वेंस की. यहाँ तक हमारा फर्स्ट पार्ट है. नाउ वी विल स्टडी अबाउट देयर प्रोग्राम्स. एक हम ओवरव्यू लेते हैं, मैं कंप्लीट रन करके आपको उनको दिखा देती हूँ, ठीक है. थैंक यू सो मच.